नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट जिला में। मित्रों, अभी तक हमने आपको बहुत से मंदिरों के बारे में बताया और आज भी हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके ऊपर बार बार हमले हुए और उसका बार बार निर्माण भी हुआ और आज भी उस मंदिर में हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में। इसका नाम तो आप सबने सुन ही रखा होगा। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे बसा है विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर। ये तीर्थ स्थल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। इस मंदिर के निर्माण से कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। इस मंदिर का निर्माण खुद चंद्रदेव सोमराज ने किया था। स्कंद पुराण में जिक्र मिलता है कि सोमराज ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनमें से रोहिणी नामक अपनी पत्नी को अधिक प्यार व सम्मान दिया, जिसकी वजह से दक्ष अपनी अन्य पुत्रियों के साथ अन्याय को देखकर क्रोध में आ गए और उन्होंने सोमराज को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। इसके फलस्वरूप हर दूसरे दिन सोम का तेज घटने लगा। श्राप से विचलित और दुखी सोम ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अंततः शिव जी प्रसन्न हुए और सोम के श्राप का निवारण भी किया। सोम के कष्ट को दूर करने वाले प्रभु शिव जी की यहाँ स्थापना करवाकर उनका नामकरण हुआ सोमनाथ। मित्रों, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहीं पर श्री कृष्ण जी भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तब शिकारी ने उनके पैर के तलुए में पदचिन्ह को हिरण की आहट जानकर धोखे से तीर मारा था। तब श्री कृष्ण जी ने देह त्याग कर यहीं से बैकुंठ के लिए गमन किया था। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण जी का मंदिर बना हुआ है। चलिए अब चलते हैं मंदिर के इतिहास की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सोमनाथ मंदिर पर कब और किस किस ने हमले किए, जिसे सुनकर आप चकित हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मित्रों, इस मंदिर पर सबसे पहले 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने हमला किया था और इसे तुड़वाकर यहाँ से अनगिनत खजाना लूट कर ले गया था। लेकिन फिर राजा नागभट, जो प्रतिहार राजा थे, उन्होंने 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण किया और उसके बाद सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी ने 5000 साथियों के साथ 1024 ईस्वी में दूसरी बार तोड़ा। गजनबी ने ना केवल शिवलिंग को ही तोड़ा बल्कि उस समय पूजा कर रहे हजारों बेकसूर लोगों की जान भी ले ली थी। इतिहास में गजनबी की इस बर्बरता को लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। कहा जाता है कि उस दिन गजनबी ने 18 करोड़ का खजाना लूटा और अपने शहर गजनी को लौटने के लिए कूच कर गया। लेकिन उसके बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज के द्वारा इस मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण हुआ। 1093 ईस्वी में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग किया। इस मंदिर के सौंदर्यकरण में 1168 ईस्वी में सौराष्ट्र के राजा खंगार और बिजेश्वर कुमार पाल ने भी काफी सहयोग किया था। और उसके बाद जब दिल्ली में खिलजी वंश का शासन था, उस समय 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला कर फिर सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और मंदिर के अथाह धन संपत्ति को लूट कर ले गया और एक बार फिर से हिंदू राजाओं ने इसे बनवाया। लेकिन 1395 ईस्वी में जब भारत में मुजफ्फर शाह का शासन था, मुजफ्फर शाह ने फिर सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और मंदिर के सारे चढ़ावे लूट ले गया। लेकिन फिर भी इन लोगों का ये आक्रमण यहाँ तक नहीं रुका। 1412 ईस्वी में मुजफ्फर शाह का बेटा अहमद शाह ने फिर से सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और लूटा। बाद में जब भारत में मुगल वंश का शासन हुआ तो मुगल वंश के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने भी 1665 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को फिर से नष्ट भ्रष्ट किया और पूजा अर्चना करते हुए हजारों भक्तों को बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन मित्रों, हिंदुओं की आस्था का ये अंत नहीं हुआ था। वे फिर भी उस स्थान की पूजा करते रहे। औरंगजेब ने 1706 ईस्वी में दोबारा सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और हजारों लोगों का कत्लेआम भी किया। और जब बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के अदम्य साहस और अनेक युद्धों के बाद जब ये क्षेत्र मराठाओं के अधिकार में आया, तब 1783 ईस्वी में इंदौर की शिव भक्त रानी अहिल्याबाई ने मूल मंदिर से थोड़ा सा हटकर पूजा के लिए सोमनाथ महादेव का नया मंदिर बनवाया। और फिर भारत की आज़ादी के बाद गुजरात के महान शेर सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाराष्ट्र के काका साहेब जी की सलाह से श्री सोमनाथ मंदिर का निर्माण शुरू किया। उनकी मृत्यु के बाद इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। भारतीय शिल्पकला की स्वर्गीय सुंदरता के इस बेजोड़ नमूने ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और शुक्रवार दिनांक 11 मई 1951 को सुबह 6:46 में इस मंदिर में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा उस समय के भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा
और वेद मूर्ति तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी जी के वेद घोष से बड़ी धूमधाम से की गई। मित्रों, मंदिर के ही दक्षिण में समुद्र के किनारे बाण स्तंभ है जो बेहद ही प्राचीन है। लगभग 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इसका मतलब यह है कि उस समय भी ये स्तंभ वहां मौजूद था, तभी तो किताबों में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ और किसने कराया था। जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है और इस बाण स्तंभ पर लिखा है आस मुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्गमार्ग। इसका मतलब ये कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी बाधा नहीं है। असल में इसके कहने का मतलब ये है कि इस सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस काल में भी लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीध में कोई बाधा नहीं है? ये अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। आज के समय में तो ये विमान, ड्रोन या सैटेलाइट के जरिए पता किया जा सकता है। भगवान शिव जी के इस विशाल और प्रसिद्ध मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेडियो धर्मी गुण है जो पृथ्वी के ऊपर अपना संतुलन अच्छे से बनाए रखते हैं। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग चुंबक के कारण हवा में ही स्थित था। ये दृश्य कितना ही कौतूहल जगाता होगा। महमूद गजनवी ने जब इस दृश्य को देखा तो हक्का बक्का रह गया था। इस मंदिर के पास ही एक सोमकुंड भी स्थित है जिसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं को अपने सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। लेकिन उन्हीं पापों से मुक्ति मिलती है जो हम और आप से अनजाने में होते हैं, ना कि जानबूझकर किए गए पापों से। साथ ही साथ असाध्य रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी इस कुंड में स्नान का बहुत महत्व है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि आगरा में रखे देव द्वार सोमनाथ मंदिर के ही हैं जिसे महमूद गजनवी उठाकर ले गया था। इस मंदिर में रोज शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे का लाइट शो होता है। इस शो में हिंदुओं के इतिहास को दिखाया जाता है। सोमनाथ मंदिर में कार्तिक, चैत्र एवं भाद्र महीने में श्राद्ध करने का बहुत महत्व है, इसलिए इन 3 महीनों में यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ गोमती नदी है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस नदी का जल सूर्य उदय होने पर बढ़ता है और सूर्यास्त होने पर घटता है। मित्रों, यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से मुस्लिमों को इस मंदिर के दर्शन के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करते जा रहा हूँ, इसे ज़रूर देखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।